स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्रोडक्ट फॉर्मूले हैं वो पढ़ेंगे। जैसे दो एंगल हैं ए और बी, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फर्स्ट में से सेकंड घटा देंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नंबर ऐड हो जाएंगे तो टू कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो इस प्रकार से दो प्रोडक्ट फॉर्मूले हमने इन दोनों फॉर्मूले से बनाए हैं। अब हम कोस के फॉर्मूले लिखेंगे। कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड थ्री एंड फोर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब हम इक्वेशन चार में से इक्वेशन पांच माइनस कर देते हैं, चार माइनस पांच, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस प्रकार से दो फॉर्मूले हो गए। तो हमारे पास जो चार फॉर्मूले आ गए, टू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी।
टू कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी और टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस प्रकार के चार प्रोडक्ट फॉर्मूले हैं। अब इन्हीं चार से ये तो चार फॉर्मूले हैं, ये यहाँ पर एक साइन और एक कॉस के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन राइट हैंड में प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये फॉर्मूले कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन टू प्लस और माइनस, मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट करते हैं प्लस में और माइनस में। अब हम प्लस और माइनस को कन्वर्ट करेंगे वापस प्रोडक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में, तो इनसे वाइस वर्सा होंगे। इसके लिए हम ये जो चार फॉर्मूले हैं इनमें ए प्लस बी को हम सी ले लेते हैं और ए माइनस बी को डी ले लेते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं तो दिस इज राइट ए इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन टू और बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन टू। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए और बी, इनकी वैल्यू हम इन चारों फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए चार फॉर्मूले ये बन जाएंगे हमारे पास में, पहले वाले में साइन ए सी प्लस साइन बी, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन ए, ए मीन्स सी प्लस डी अपॉन टू, कॉस बी, बी मीन्स सी माइनस डी अपॉन टू, इसी प्रकार सेकंड वाला साइन सी माइनस साइन बी इक्वल टू कॉस सी प्लस बी अपॉन टू साइन सी माइनस बी अपॉन टू, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू टू कॉस ए एंड कॉस सी प्लस बी अपॉन टू कॉस सी माइनस बी अपॉन टू, टू कॉस सी प्लस बी बाई टू कॉस सी माइनस बी बाई टू। और ये फोर था इसमें, इसमें हम अगर यहाँ पर हम इसकी जगह हम लिखेंगे कॉस डी, ये हो गया माइनस कॉस सी, इधर हो जाएगा टू साइन सी प्लस बी अपॉन टू और साइन सी माइनस बी अपॉन टू। इधर राइट हैंड में पहले बी आ गया सी बाद में है, हम इसको उधर लाना चाहते हैं तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस ये चीज नेगेटिव और ये चीज पॉजिटिव, तो राइट हैंड हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी। अब ये जो सी माइनस डी है इसमें से हम माइनस को मान लेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा डी माइनस सी, डी माइनस सी और साइन माइनस थीटा हमें जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ जाएगा और ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब हमारा ये फॉर्मूला हो गया। तो हम लिखेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन डी माइनस सी अपॉन टू,
इसमें ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तीनों में सी माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस डी, इसमें डी माइनस सी है। तो इस प्रकार से चार फॉर्मूले हो गए हमारे जो कन्वर्ट करते हैं प्लस और माइनस को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, इस प्रकार से एक से ऑपोजिट। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इंटीग्रेशन। साइन सेकंड थीटा कॉस थ्री थीटा, एक साइन और एक कॉस मल्टीप्लिकेशन में, हम इसको लिखेंगे वन अपॉन टू इंटू टू साइन सेवन थीटा कॉस थ्री थीटा, वन अपॉन टू। अब ये बात जो है टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, तो यहां रहेगा साइन ए प्लस बी सेवन थीटा प्लस थ्री थीटा प्लस साइन ए माइनस बी, यानी सेवन थीटा माइनस थ्री थीटा और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू वन अपॉन टू साइन टेन थीटा प्लस साइन फोर थीटा। तो इस प्रकार से इस प्रोडक्ट को हमने सम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कॉस सिक्स थीटा प्लस कॉस फोर थीटा, अब ये वाला जो है ये कॉस सी प्लस कॉस डी, ये हमारा C और ये हमारा D हो गया। तो cos C plus cos D equal to 2 cos C plus D upon 2 cos C minus D upon 2, तो इसकी वजह से 2 cos 6 theta plus 4 theta upon 2 cos 6 theta minus 4 theta upon 2 2 cos 5 theta cos theta 2 theta upon 2 theta। तो इस प्रकार से हमने प्लस को कन्वर्ट कर लिया मल्टीप्लिकेशन में।